कितने 5-6 लाख चल चुकी है, 5-6 लाख। हेलो गाइस, केपीआर KP004 में आपका स्वागत है। तो भाई आज हम लेके आए हैं ओनरशिप एक्सपीरियंस किसका भाई, ये है भाई XUV300W4। तो भाई ये बेस मॉडल हो गया। और भाई अगर चाबी की बात करें ना, कोई ऐसी कुछ चाबी देखो मिल जाती है आपको, आगे से तो सेम है सब में भाई, लेकिन पीछे से इसमें कोई सेंटर लॉक का कोई कंट्रोल है नहीं। तो भाई ये है इसके ओनर गौतम भाई, तो क्या हाल है भाई? बढ़िया। तो भाई कब ली थी गाड़ी? ये ली थी भाई इसी साल, ली है फरवरी में। फरवरी में? तो भाई ये BS6 है, BS6 फेज 2 है, BS6 है। तो भाई कितने कुछ की पड़ गई थी उस टाइम पे? ये पड़ गई थी भाई अप्रॉक्स 9,90,000। 9,90,000 मतलब 10 मान लो, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो मतलब 10 लाख में आपको पड़ गई। 10 लाख। तो आपका मतलब बजट मेन 10 लाख का था। तो भाई इसके अलावा और कौन कौन सी गाड़ी देखी थी आपने उस टाइम? पर आपका बजट 10 लाख का था, तो बिटारा तो आती नहीं। अच्छा, तो बजट बढ़ा सकते थे आप। तो भाई जब बजट बढ़ा सकते थे, तो इससे आपने एक मॉडल ऊपर क्यों नहीं ले लिया W6? अच्छा, वेटिंग अर्जेंट पे गाड़ी, ये गाड़ी कैंसिलेशन पे निकली है। अच्छा अच्छा, तो किसी ने कैंसिल करी थी जब निकली है? किसी ने बुक कर दी थी गाड़ी, पर उसके पैसे हुए नहीं थे। तो हम तो इस गाड़ी का भी लेते तो ब्लैक कलर में लेते, पर ब्लैक कलर में भी वेटिंग थी। अच्छा, मतलब मेन था आपका वेटिंग का सीन था, इस चक्कर में आपने ये ले ली, नहीं तो आप ये नहीं लेते। ऐसी क्या अर्जेंट आ गया भाई, ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया? कोई नहीं भाई, हमें तो पता है। तो भाई बाकी हम बात करें तो यार बेस मॉडल कुछ ज़्यादा ही इसका बेस ही नहीं लगता भाई। नहीं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है यार, जैसे नॉर्मल जैसे कोई और गाड़ी लो इस सेगमेंट में, बेस में कुछ तो मिलता है वही। तो भाई ना इसमें म्यूजिक सिस्टम, वहाँ पर डब्बा दे रखा था इन्होंने शायद, और आप बता रहे थे भाई आपने महिंद्रा से कुछ म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगवाया था भाई, 33,000 का सिस्टम लगवाया था उन्होंने। अच्छा अच्छा, महिंद्रा से ही जेन्युइन। अभी तुमने आवाज सुनना इसकी, ये और बताना कितने का होगा। बेस टू बटा के 33,000 का सिस्टम, 5,000 का नहीं था भाई वो, इतनी आवाज फटती थी उसकी, 5-6 आवाज से ऊपर गई, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी बिल्कुल। वो लगवा दिया था उन्होंने, फिर डिलीवरी पे हमने डिलीवरी ली थी गाड़ी की। अच्छा, वो एक रात पहले करके आ गए थे, वो कह रहे थे कि टोकन टिकट टोकन कटेगा। हां हां, कह रहे थे अभी ले जाओ, तो हमने ली नहीं थी, तो वो खुद ही उनका लड़का डिलीवर करने आया था। अच्छा, तो भाई सिस्टम लगवाया था, तो हमने तो बोल दिया हम गाड़ी लेंगे, सिस्टम हटा दो। कह रहे सिस्टम नहीं हटाएगा सब, कह रहे हम गाड़ी लेंगे, हमने गाड़ी वापस दे दी उस टाइम पे। अच्छा अच्छा, तो हमने गाड़ी वापस भेज दी, उन्होंने सिस्टम वगैरह हटा दिया था, फॉर्मेलिटी कर ली अपनी। फिर हमने अगले दिन टोकन दोबारा करवा लिया था, फिर टोकन कटवाने गया था, डिलीवरी तो हो ही गई थी उस दिन पे, हमने ताज़ा वो करवा ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब बस आपने फिर वो सिस्टम हटवा दिया, तो उन्होंने बहुत रोना धोना करा सिस्टम हटाने के लिए भी। और हेड यूनिट में क्या लगा रखा था उन्होंने? स्क्रीन थी, स्क्रीन ही थी। और भाई बाकी ये तो व्हील कवर भी बाहर से लगवा रखा, और ये भी आपने बाहर से लगवा रखी है, ये तो शायद कंपनी करके देती है। और भाई सबसे मेन चीज जो भाई बेकार लगती है ना मेरे को इसकी, जो मैंने XUV300 रिजेक्ट करी है, वो सिर्फ इस वजह से करी है भाई, ये तो टट्टी है भाई, आगे वाला लुक भाई वो तो ठीक है, उसमें स्पॉइलर दे दिया, फिर भी यार मेरे को पीछे से बिल्कुल नहीं पसंद। सिर्फ मेन रीजन भाई, मेन रीजन था मेरा इसको रिजेक्ट करने का, और कोई ज्यादा खास रीजन था नहीं इसको रिजेक्ट करने का, जो मेन रीजन था वो था इसकी डिग्गी यार, बहुत अजीब लगती है। और भाई इसी के साइड में अगर नेक्स्ट वन खड़ी करते ना भाई, बहुत महंगी लगेगी वो इस गाड़ी से, जबकि भाई इसे थोड़ी सी क्या नाम है सेम प्राइस की है वो। बाकी भाई हम बात करें तो ऐसे कुछ आपको मिल जाता है, टायर देखो अच्छे खासे चौड़े दे रखे हैं, चलो ये चीज़ तो सही है। तो भाई अगर टायर की साइज प्रोफाइल देखें तो ये पड़ गया अराउंड 205, सेम ही है भाई नेक्सॉन वाली प्रोफाइल है। अच्छा, इसमें 17 मिले हैं और 16 है, 16 है, हाँ सेम प्रोफाइल मिली है भाई नेक्सॉन वाली, बट इसमें टायर की कंपनी चेंज कर दी, नहीं ब्रिजस्टोन के ही है इसमें भी, ये सही है। तो भाई अगर हम बात करें कुछ पॉजिटिव्स एंड कुछ नेगेटिव्स, तो भाई पॉजिटिव पहले पॉजिटिव पॉइंट बताओ। हाँ भाई, छः गियर है, हाँ भाई आगे 6 है भाई, नहीं भाई ये रखेगा। कौन सी गाड़ी में 5 है भाई? ब्रिजा में 5 है, ब्रिजा सेम सेगमेंट की है, और ब्रिजा में ब्रिजा कहीं ना कहीं से महंगी है।
और भाई ब्रीजा पता है बिल्कुल एक दिले की नहीं लगती। और कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताऊं भाई, मैं बॉडी कलर इसमें ये दे दिया, बॉडी कलर है आपने करवाया भाई, ये चीज़ मेरे को सही लगी, ये भी बॉडी कलर दे दिया, ये भी अच्छी लगी मेरे को भाई। ये चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें हैं भाई जो इसमें महिंद्रा ने अच्छा भी करा, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि महिंद्रा ने हक दिया। तो भाई अब इंटीरियर से आ जाते हैं, चलो भाई भाई देखो इंटीरियर में आ चुके हैं। तो इंटीरियर ऐसा कुछ है भाई, प्रीमियम फील तो देखो देता है ये इंटीरियर, बट कहीं ना कहीं भाई बहुत ज़्यादा पुराना लगता है अभी वो लगता है यार, इन्होंने कर रखा है पुराना भाई, बहुत टाइम्स है कोई चेंजेस नहीं करे ना कुछ भाई देखो। लेकिन भाई कहीं ना कहीं यार बहुत प्रीमियम लग रहा है ये गेट मेरे को अपनी नेक्सॉन से, कहीं ना कहीं गेट तो प्रीमियम लगा, डैशबोर्ड की बात अलग है लेकिन गेट अच्छा लगा उसका भाई। बाकी गाड़ी का इंटीरियर ठीक है लेकिन ना भाई इसमें ये मिलता है, यहाँ पे पूरा खाली डब्बा मिलता है। और चलो भाई कम से कम चारों पावर विंडो तो दे दी बेस मॉडल में इन्होंने, पावर विंडो सब में भाई। और भाई ये शीशे कंट्रोल अंदर से होते हैं, नहीं होते होते बस नहीं नहीं फोल्ड फोल्ड नहीं फोल्डिंग के नहीं है, मतलब वो बाहर से फोल्ड हाथ मारो देसी जुगाड़ भाई। बाकी यार देखो गाड़ी तो अच्छी है, और नेगेटिव बता दो भाई अब, चलो पॉजिटिव तो बता ही दिए। नेगेटिव अभी इतनी चलाई नहीं है मैंने तो, इतना कुछ मुझे खास पता नहीं है। कितनी चला दी वैसे तो गाड़ी 10,707 चलेगी भाई, अभी दिखा दो भाई, मतलब मैंने नहीं चलाई इतनी, एक सेकंड इतनी कह रही है भाई गाड़ी की, भाई गाड़ी गाँव गई इतनी बार, और अभी परसों भी गाँव से ही आई है तभी इतनी गंदी हो रखी है। ओ भाई साहब मतलब इतनी चल गई गाड़ी 10,707 चल गई। अरे तो इसको देख रहे हैं मेरे घर पे जो बिटर खड़ी है 25,000 चल गई, वो साल भर नहीं हुआ उसे। ओ तेरी भाई साहब मतलब रनिंग कुछ ज्यादा ही है आपकी, अच्छी खासी रनिंग है भाई ये तो मैंने देख लिया। आपके पास जो इको है वो कितनी चला दी? वो तो पता नहीं कितने 5-6 लाख चल चुकी है, 5-6 लाख ऑन मीटर दिखा दूंगा उसका तो मैं। ओ तेरी भाई साहब, तो भाई इसी सर्विस वर्विस कराई रखी होगी? थर्ड सर्विस तक हो गई भाई, थर्ड सर्विस हो गई। कितना प्राइस पड़ गया? मुझे कुछ नहीं पता भाई, भाई गया था सर्विस का तो यार कुछ नहीं पता, सर्विस का कुछ नहीं पता। और भाई कुछ शेयर करना चाहते हो उस गाड़ी के बारे में? ना ये वाले एसी वेंट है ना, ये हैंडल ना रोक लेते हैं, रोक लेते हैं हाँ, मतलब प्रॉपर हवा ना आ नहीं पाती। अच्छा अच्छा अच्छा, देखते को दिख ही रहा होगा। हाँ, थोड़ा डिजाइन उनका वैसा हाँ, ये ना कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था यार, क्योंकि ना ये यहाँ पर हाथ रखेगा सीधी गाड़ी चल रही है हाँ, तो हाथ पे आएंगे और एडजस्ट कर लेगा ना, एडजस्ट करने में भी इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ पाता। अच्छा, तो ये थोड़ी कमी सी लगती है मेरे को इसकी। और पीछे वाले इसमें एसी वेंट भी नहीं दे रखे ना, आर्मरेस्ट दे रखा है भाई, आर्मरेस्ट वगैरह तो कहीं मिल पाएंगी हाँ, टॉप मॉडल में मिलेंगी ये चीजें। तो भाई यहीं तक की थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और KP444 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस बाय।